हेलो गाइस, मैं हूं अमित भाई। बात का बतंगड़ तो आप लोगों ने देखा ही है, हमने भी दो वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। यानी कि कोई जो बात है, जब वो शुरू होती है, जब वो लोगों में स्प्रेड होती है और जब वो किसी और के पास में पहुंचती है तो कुछ से कुछ बन जाती है। बात शुरू कुछ होती है और जब ख़त्म होती है तो पता नहीं क्या ही अलग ही महाभारत बन जाती है। तो हमने उसका डेमो भी आपको दिया हुआ है। ऐसा ही कुछ हो सकता है एक तरीके से जेस्चर्स के साथ में भी या इशारों के साथ में भी। यानी कि मान लो मैंने किसी को कोई संकेत दिया हाथ से, मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, कुछ भी, तो अगर उसको भी हम स्प्रेड करें तो वहाँ पर भी सेम चीज़ हो सकती है। तो भाई आज इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ ट्राई करने वाले हैं। हम जो है काफ़ी सारे लोग जो है उनको एक संकेत से शुरू करेंगे और देखते हैं कि लास्ट में जो वो चीज़ है वो क्या संकेत बनती है, लास्ट में जो सिग्नल है, जो जेस्चर है, वो क्या बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास भाई साहब बहुत सारे लोग है इस चीज़ के लिए, क्योंकि इस चीज़ के लिए लोगों की ही ज़रूरत होती है। अगर आप मशीन्स को इस तरीके की कमांड देंगे ना भाई, कोई मशीन को आप ये बोलेंगे कि ये वन है या टू है, तो वो आगे वैसे ही भेजता जाएगा कि ये वन है, वो बोलेगा वन है, वन है। लेकिन जब इंसानों को बोलते हैं ना तो बदल देते हैं उनको। तो ऐसा ही कुछ सिग्नल्स के साथ में हो सकता है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो लाइक कर देना। हाँ भाई, रेडी? चलो शुरू करो। तो भाई यहाँ पर हमारे पास में फिलहाल 18 लोग हैं, 19वां मैं हूँ, लेकिन मैं जो है एक्टिव पार्ट नहीं रहूंगा। मैं जो है सिर्फ इशारा बताऊंगा और देखते हैं कि वो इशारा आगे कैसे जाता है, ठीक है। तो सब लोग जो है वो एक लाइन बना लो, पिछले बार की तरह एकदम सीधा रैंडमली लाइन बना लो। चलो चलो, और एक दूसरे से इतनी दूरी रखना, कम से कम 1 मीटर की। और मैं जो है 4 सिंपल जेस्चर्स बताऊंगा सभी लोगों को। सब पीछे मत जाओ, कुछ लोग आगे भी आ जाओ। तो गाइज यहाँ पर सारे लोग जो है वो लाइन में लग चुके हैं, काफी लंबी लाइन हो चुकी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर सबसे पीछे से शुरुआत करेंगे। एक बंदे को मैं कुछ जेस्चर्स दिखाऊंगा, यानी कि कुछ साइन दिखाऊंगा, और वो जो साइन है वो अगले बंदे को रिपीट करने हैं। आप लोगों को क्या करना है, सिंपली अपने से अगले बंदे को टैप करना है और बोलना है पलट। अगला वाला पलटेगा, वो पीछे देखेगा, ठीक है, और उसके बाद में जो भी अपन ने पीछे से देखा है वो अगले वाले को ट्रांसफर कर देना है। और गाइस यहाँ पर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर जो पिछली बार बात का बतंगड़ था ना, उसके पार्ट को भी इन्वॉल्व करेंगे। पीछे जा रहा हूँ सबसे पीछे, और वहाँ से जो है शुरुआत करेंगे। तो भाई मैं सबसे पीछे आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं कुछ जेस्चर्स दूंगा। मैं आपको एक डेमो भी देता हूँ। पलट, सबको नहीं पलटना, एक को पलटना है, ठीक है, ध्यान रखना। जा रहे हैं, चलो। अरे यार, ले फिर से बता रहा हूँ, ठीक है भाई, सामने देखो। चलो इस बार मजा आएगा, पूरा देखना भाई। अरे रुको रुको रुको, पूरा देखो, पूरा देखो यार, जल्दी मत करो। चलो चलो पहले करो, फेस वाला भी था। ये वाला था, ऐसे वाला, ऐसे वाला। चलो पूरा देखा करो यार, पूरा देखा करो। चलो बताओ बताओ, ठीक है। देखो बोल दे, आप पहले अगले को बोला करो। पूरा देखो, पूरा सब लोग पूरा देखा करो। चलो
बताओ बताओ। बता। तो भाई यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो इशारे हैं वो इस बार भी बदल गए। एक तो जो अपना जो स्टार्टिंग था वो ऐसे उछलने से था, यहाँ पर उछलना तो गया तेल लेने। क्या 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 आया था सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले हाथ खोलने वाला आ गया। देखो ऐसे था ये, मैं बता देता हूँ, ऐसे था स्टार्टिंग में, ऐसे था, फिर अगला ऐसे था, फिर उसके बाद में उससे अगला आहा, उसके बाद में आहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यार गाइस वही बात है कि हम जो है चीज़ों को उतना अच्छे से इंटरप्रेट नहीं करते, कुछ पॉइंट्स छोटी छोटी कड़ी मिस कर देते हैं और अगली स्टेप जो है हम अपने मन से ही जनरेट करके आगे बता देते हैं, इसलिए यहाँ पर ये हुआ है। तो अब बारी है भैया जो बात का बतंगड़ था वो वाली चीज़ की। तो यहाँ पर मेरे पास में डायलॉग जो है रेडी रखा है, पीछे लेके चलते हैं और देखते हैं आगे क्या बात पहुँचती है। ओ भाई एक बार सुन लो, क्या करना है बता देता हूँ। ये जो माइक है ये लेना है अपने पीछे वाले से, और पीछे वाला कोई बात बोलेगा उस बात को सुनना है, और अपने आगे वाले को बतानी है वो बात चुपचाप, जिससे कि वो उससे अगले वाले को ना सुने, सिर्फ एक को ही सुने, और ऐसे बात आगे पहुंचती जाएगी। और गाइज ये भी जो है पूरा साइंटिफिक है, जैसे कि ये चीज़ जो साइन वाली थी, जो जेस्चर वाली थी वो साइंटिफिक है, वैसे ही ये चीज़ भी वैसे ही काम करती है। यानी कि इंसान जो सुनता है आगे उसको कैसे भेजता है। अगर आपने हमारी बात के बतंगड़ के पिछले दो पार्ट नहीं देखे तो भाई देखो यार, आपको वहीं से समझ में आएगा कि क्या हुआ है। इमली खट्टी है, मुझे इमली बहुत पसंद है और मैं रोज़ खट्टी इमली खाता हूँ। चलो, इमली खट्टी है, इमली मुझे बहुत पसंद है और मैं इमली रोज़ खाता हूँ। इमली खट्टी है और इमली मुझे बहुत पसंद है और मैं रोज़ खाता हूँ। इमली खट्टी है, इमली रोज़ खाता हूँ। पूरा बताओ, पूरा, इतनी जल्दी नहीं होगा, पूरा बताओ, कुछ रह गया क्या? एक बार फिर से पूछ लो। चलो, इमली खट्टी है, इमली मुझे बहुत पसंद है और मैं रोज़ खाता हूँ। इमली खट्टी है और मैं रोज़ खाता हूँ और इमली मुझे बहुत पसंद है। चलो बताओ बताओ भाई, चुप रहो। इमली खट्टी है और मैं रोज़ खाता हूँ और मुझे वह बहुत पसंद है। इमली खट्टी है, मैं रोज़ खाता हूँ और मुझे बहुत पसंद है। इमली खट्टी है, मैं रोज़ खाता हूँ, वह मुझे बहुत पसंद है। इमली खट्टी है, मैं रोज़ खाता हूँ, वह मुझे पसंद है। इमली खट्टी है, मैं रोज़ खाता हूँ, वो मुझे पसंद है। इमली खट्टी है, वो मैं रोज़ खाता हूँ, मुझे पसंद है। इमली खट्टी है, मैं रोज़ खाता हूँ, मैं मेरे को पसंद है। इमली खट्टी है, मैं रोज़ खाता हूँ, मेरे को पसंद आ गई। इमली खट्टी है, मैं रोज़ खाता हूँ और मुझे पसंद आ गई। इमली खट्टी है और मुझे पसंद आ गई और वो खा गया। इमली खट्टी है, मुझे पसंद आ गई और मैं खा गया। इंग्लिश टट्टी है, मुझे पसंद आ गई और मैं खा गया। इंग्लिश टट्टी है, मुझे पसंद आ गई और मैं खा गया। इंग्लिश टट्टी है, मुझे पसंद आ गई और मैं खा गया। अरे क्या हुआ, हंसो मत, बताओ यार, हंसना नहीं है, बताना है। इंग्लिश टट्टी है, मुझे पसंद आ गई, मैं खा गया। भाई जो बात है वो पीछे से यहाँ तक आ चुकी है, तुम लोग पहले तो हंस मत यार, रुको, ऐसा ऐसी तो कोई बात मैंने वहाँ नहीं बोली थी। मैंने वहाँ बिल्कुल सिंपल बात बोली थी, आपको पता है, देना एक बार याद रखना क्या है, ठीक है। गाइज मैंने बोला था कि इमली खट्टी है, मुझे इमली बहुत पसंद है और मैं रोज़ खट्टी इमली खाता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या बात पहुँची, बताओ ज़रा एक बार बताओ। इंग्लिश टट्टी है, मैं खाता हूँ। इंग्लिश टट्टी है, एक बार फिर से बताना। इंग्लिश टट्टी है, उसे मैं खाता हूँ। मुझे पसंद है, ये भी आया है।
पूरा बताना, पूरा बताना। इंग्लिश टट्टी है, मुझे पसंद है, मैं खाता हूँ। गाइस यहाँ पर बात कुछ ऐसी होती है, इंग्लिश टट्टी है मुझे बहुत पसंद है और मैं रोज खाता हूँ। क्या क्या आई थी, क्या आई थी? इमली टट्टी है, मुझे पसंद है और मैं खाता हूँ। इमली से इंग्लिश किसने कर दिया? इंग्लिश आई थी। इंग्लिश दिया तो मैंने। आपको क्या सुनाई दिया? इंग्लिश। और आपके पास आया क्या था एक्चुअल में? इमली। इमली आया था। और आपसे पीछे कौन था? मैं। तूने इमली बोला था? हाँ, वहाँ तक इमली है, यहाँ पर जो है बात बदल के इमली से इंग्लिश होगी कि इंग्लिश टट्टी है मुझे बहुत पसंद है और मैं खाता हूँ। तो भाई यहाँ पर देखा आप लोगों ने कि जो बात है वो किस तरीके से बदल जाती है। एक सिंपल सी बात थी कि भाई इमली खट्टी है, मुझे इमली बहुत पसंद है और मैं रोज़ खट्टी इमली खाता हूँ। बात बदल के ये हुई है कि इंग्लिश टट्टी है, मुझे बहुत पसंद है और मैं अरे यार कोई और बताएगा किसी के पास क्या आई थी? किसी को याद है? किसी को कुछ याद है कि किसके पास क्या डायलॉग आया था? बताओ। इमली खट्टी है, मैं रोज खाता हूँ, मुझे पसंद है। यानी कि भाई देखो पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, अब देखो मुझे एग्जैक्टली नहीं सुना कि क्या बात हो रही है, लेकिन आप लोगों को इस माइक के थ्रू सब सुन रहा होगा क्योंकि ये माइक बोलने वाले के बिल्कुल पास था। और बाद में जो है बात किस तरीके से बदली, एक एक वर्ड बदला है। इमली जो है इमली से इंग्लिश हो गया, ठीक है, ऐसे कर करके जो है चीज़ें बदली है। खट्टी से जो है क्या हो गया? खट्टी खट्टी हो गया, कुछ भी हो गया, वट एवर। तो गाइस मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ पर बहुत मज़ा आया होगा। और ये जो चीज़ है ना ये बहुत लॉजिकल है, इसीलिए ये कहा जाता है कि भाई सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। कुछ लोग तो कहते हैं आंखों से देखी बात पर भी विश्वास मत करो, क्योंकि भाई पता नहीं कहाँ से बात घूम फिर के कैसे बदल के हमारे पास में आई है। ठीक है, जब तक आप कोई भी चीज़ के बारे में लॉजिकली नहीं सोच पा रहे, दिमाग से नहीं सोच पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तब तक थोड़ा सा डाउट रखो कि भाई पता नहीं ये सही है या नहीं है, अगर घूम फिर के आई है। सेम ऐसा ही होता है व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में, जब व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है हम किसी और को भेज देते हैं, किसी और को भेज देते हैं, बात बदलती जाती है, बात कुछ हुई थी ख़त्म कहीं होती है। इस चीज़ को चाइनीज़ विस्परिंग बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा यहाँ पर आया होगा, सब लोगों को भी काफ़ी मज़ा आया। और इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।